आजकल मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि मेरे वॉलेट में ज्यादा कैश नहीं है। कुछ ही सालों पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं मुंबई में घूमूं विदाउट हैविंग मच कैश इन माय वॉलेट, बट आजकल अगर मेरा फोन मेरे पॉकेट में है, आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट दैट आई कैन गेट बाय। मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने सारे डेली पेमेंट्स कर पाऊंगा ट्रांसपोर्ट के या किराना शॉप्स में, एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग एंड दैट इज UPI। अगर आप गूगल पे यूज कर रहे हो या फोन पे या भीम, ये सारे एप्स एक ही टेक्नोलॉजी पे बने हैं और एक ही टेक्नोलॉजी ये सारी डिजिटल पेमेंट्स को इतनी इजीली पॉसिबल बनाता है, एंड दैट इज वन ऑफ इंडियाज रीसेंट सक्सेस स्टोरीज, जिसका नाम है UPI या द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आज UPI दुनिया का सबसे वाइडली यूज्ड रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। मास्टरकार्ड की एक पार्टनर कंपनी है ACI, जिन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की रिसेंटली कॉल्ड प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम इन 2022। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर व्हेन इट कम्स टू द ट्रांजैक्शन वॉल्यूम फॉर रियल टाइम पेमेंट। पिछले साल में इंडिया में रियल टाइम पेमेंट सिस्टम से 46 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए। रियल टाइम पेमेंट्स के सबसे बड़े मार्केट होने के बावजूद इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स इन दिस सेगमेंट। रियल टाइम पेमेंट्स के इस वाइडस्प्रेड अडॉप्शन की वजह से इंडियन कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को काफी सेविंग्स भी मिली और टोटल ऑफ $12.6 बिलियन इन 2021। इन सेविंग्स की वजह से इंडिया की GDP में एडिशनल $16 बिलियन का इकोनॉमिक आउटपुट अनलॉक हुआ। बट हम यहाँ पहुंचे कैसे और UPI एज अ सिस्टम इतना सक्सेसफुल कैसे बना है, इन सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। UPI इतना सक्सेसफुल रहा है बिकॉज इट हैज बीन मेड एज अ पार्ट ऑफ अ फाउंडेशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे दी इंडिया स्टैक का नाम दिया गया है। कंप्यूटर साइंस में स्टैक का मतलब है उन सारी टेक्नोलॉजीज और टूल्स का एक कलेक्शन जो एक ऐप को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। ये हो सकती है कंप्यूटर लैंग्वेजेस, लाइब्रेरीज, सर्वर्स, यूजर इंटरफेसेस और सॉफ्टवेयर टूल्स जो डेवलपर्स यूज करते हैं, जैसे APIs जो अलग डेटाबेसेस और सॉफ्टवेयर्स को कनेक्ट करते हैं। ये टेक्नोलॉजीज और टूल्स का बास्केट इंडियन सिटीजन को अलग तरह कि सर्विसेज को डिजिटली यूज करने में मदद करता है। एक रीसेंट पेपर ने IMF में बताया है कि इस इंडिया स्टैक के अलग पार्ट्स एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं, और ये किया गया है थ्रू द प्रोविजन ऑफ फ्री पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जो यूजुअली फॉर फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर everyone टू यूज विदाउट एनी barriers फॉर यूजिंग them। इस इंडिया स्टैक में ऐसे 3 पब्लिक गुड्स इंडियन population को फॉर फ्री दिए गए थे। द फर्स्ट वन वॉज अ डिजिटल ID, जिसकी लो एंट्री कॉस्ट थी, जो बन गया आधार। द सेकेंड वन वॉज अ सिस्टम ऑफ APIs जो पेमेंट्स कर पाए बिटवीन डिफरेंट banks। ये किया गया था थ्रू द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट थ्रू IMPS और फिर थ्रू UPI। और तीसरा पब्लिक गुड था एक ऐसा मैकेनिज्म जो इंडिविजुअल्स को अपने पर्सनल डेटा पे कंट्रोल दे, और ये अभी भी इन प्रोग्रेस है थ्रू द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो विंटर सेशन में पार्लियामेंट में शायद टेबल किया जाएगा। इस इंडिया स्टैक की काफी तारीफ की गई है बाय डिफरेंट इंडस्ट्री प्रोफेशनल। रिसेंटली एट अ कॉन्फ्रेंस PayPal के CTO श्री शिवानंदा ने कहा कि दुनिया में ऐसा और कोई टेक स्टैक नहीं है जिसके साथ एक कंट्री का नाम जुड़ा है। उन्होंने कहा दैट द इंडिया स्टैक इज अ कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, और ये काफी दूसरी कंट्रीज के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है। अगर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो दी इंडिया स्टैक दो अलग चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। एक तरफ है NPCI के डिजिटल पेमेंट्स प्रोजेक्ट्स और दूसरी तरफ है आधार की यूनिक आइडेंटिटी और ऑथेंटिफिकेशन एबिलिटी। आजकल इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स इतने कॉमन है कि हम इसे शायद फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अगर कोई डिजिटल पेमेंट करना चाहता है तो उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उनके पास एक बैंक अकाउंट होनी चाहिए, और ये सारी चीजें करने में काफी टाइम लगा। अगर हम IMF के सर्वे डेटा को ही देखें तो हम देख सकते हैं कि 2011 to 2017, the number of Indians with a bank account बढ़ गया from 35% to 80%। इसलिए as a part of the India stack, UPI को possible बनाने के लिए दो अलग चीजों की जरूरत थी, और वो थी आधार and a payments interface। आधार बनाया गया था to create a system for identity verification और citizens को government services easily पहुंचाने के लिए। ये किया गया था through the unique identification authority of India, और नंदन निलेकनी को इसके first chairman के रूप में appoint किया गया। नंदन निलेकनी इज वन ऑफ द co-founders ऑफ इन्फोसिस, जो इंडिया के सबसे बड़े IT सर्विसेज फर्म्स में एक है। उन्होंने आधार के क्रिएशन को सुपरवाइज किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिटी डेटाबेस बन गया। आधार काफी इंपॉर्टेंट था इंडिया के डिजिटाइजेशन को शुरू करने के लिए। आधार के क्रिएशन के बाद इसका इस्तेमाल किया गया इंडिया के फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी। 2013 में RBI ने आधार कार्ड होल्डर्स को बैंक्स के थ्रू EKYC करने का ऑप्शन दिया। इस EKYC के प्रोसीजर ने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को कम किया
और बैंक अकाउंट खोलने के प्रोसीजर को और इजी बनाया। आधार कार्ड्स पीएम जन धन योजना के लिए भी काफी यूजफुल थे, जहां पे इंडिया के ज्यादा सिटीजन को बैंक अकाउंट्स खुलवाकर दिए गए। इन सारे स्टेप्स ने इंडियंस को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इंक्लूड किया और लिंकेजेस बनाए, ताकि ये इंडियंस अपने खुद के बैंक अकाउंट से आने वाले डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्ट ले सके। 2007 में पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट के थ्रू आरबीआई ने एक अलग नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन बनाई रिटेल पेमेंट्स हैंडल करने के लिए। इस इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम था एनपीसीआई और द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रिटेल पेमेंट्स के सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए एनपीसीआई ने 2010 में आईएमपीएस सिस्टम को क्रिएट किया, जो एक 24/7 इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम था। इवन दो आईएमपीएस का सिस्टम काफी यूजफुल और स्केलेबल था, ये सिर्फ इंटर बैंक पेमेंट्स के लिए बना था, जिसका मतलब था इसे यूज करने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट की जरूरत थी। बट आईएमपीएस इंपॉर्टेंट था बिकॉज फ्यूचर में इसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे यूपीआई क्रिएट किया गया और इसी वजह से अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी टेस्ट हो पाई। यूपीआई ने इस सिस्टम के ऊपर काफी इंप्रूवमेंट्स लाए और इस सिस्टम को पब्लिक के लिए ज्यादा सिंपल और अप्रोचेबल बनाया। एज कम्पेयर टू आईएमपीएस, यूपीआई में बहुत सारे अलग इनोवेशंस हैं, जैसे अ पी2पी मनी पुल फंक्शन, जिससे लोग पेमेंट रिक्वेस्ट भेज सके, पेमेंट थ्रू क्यूआर कोड्स एंड ऑल्सो मर्चेंट पेमेंट्स। तो अब हमने देख लिया कि यूपीआई के डेवलपमेंट में इंडिया स्टैक कितना जरूरी था, बट बाकी ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से यूपीआई सक्सेसफुल बना। यूपीआई के सक्सेस के पीछे एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसकी सिंप्लीफाइड अप्रोच। इवन दो यूपीआई आईएमपीएस के सिस्टम के ऊपर बनाया गया था, एक नई अप्रोच की जरूरत थी इस सारे प्रोसेस को बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के लिए। एक आईएमपीएस ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड, एमएमआईडी जैसे डिटेल्स की जरूरत होती है, बट यूपीआई ने इस सिस्टम को चेंज किया और इसके सेंटर में डाला वीपीए या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। इस वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के साथ और अपने खुद के यूपीआई पिन के साथ आप किसी को भी पैसे दे सकते हैं या उनसे पैसे मांग सकते हैं। इसलिए क्योंकि इंडिया में फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर्स ज्यादातर मोबाइल के थ्रू ही इंटरनेट एक्सपीरियंस करते हैं, बाय मेकिंग यूपीआई अ मोबाइल एप्लीकेशन एंड मोबाइल फर्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट ऐसे लोगों के पास भी पहुंच पाई जिनके पास शायद बैंक अकाउंट नहीं था बट मोबाइल फोन जरूर था। यूपीआई के सक्सेस के पीछे इंडिया के बहुत बड़े स्मार्टफोन यूजर बेस का भी हाथ रहा है। एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर बेसिस ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स एंड 2021 में एस्टिमेट किया गया है कि इंडिया में 750 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं। द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एस्टिमेट करता है कि ये नंबर बढ़के 900 मिलियन बन जाएगा बाय 2025। स्मार्टफोन्स और एक्टिव इंटरनेट यूजर्स का मतलब है कि यूपीआई सबके हाथों में पहुंच पाया। और बिकॉज एक्टिव इंटरनेट यूजर्स का नंबर रूरल और अर्बन इंडिया में काफी इवनली स्प्लिट है, इसका मतलब है कि यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स अलग रूरल और रिमोट एरियाज तक भी पहुंच पाए। ये पॉसिबल हुआ बिकॉज यूपीआई वॉज बिल्ट ओवर एन ओपन सोर्स एपीआई, जिसका मतलब है कि अलग डेवलपर्स इस सिस्टम के ऊपर अपने एप्स बनाकर इस सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगे। इस एपीआई के ओपन सोर्स होने की वजह से अलग अलग डिफरेंट कंपनीज भी इस डिजिटल पेमेंट्स की स्पेस में उतर पाए हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल है व्हाट्सएप, जो व्हाट्सएप पे के थ्रू यूपीआई के मार्केट में आया है। एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, व्हाट्सएप थोड़ा यूनिक है बिकॉज इसने मैसेजिंग और डिजिटल पेमेंट्स को कंबाइन किया है, और ये सिर्फ इसलिए हो पाया है बिकॉज ओपन सोर्स एपीआई सब लोग यूज कर पाते हैं। कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट एक्चुअली यूपीआई के मार्केट शेयर पर लिमिट्स डाल रही है। कुल मिलाकर फोन पे और गूगल पे का शेयर अराउंड 80% रहता है ऑन एवरेज इन द मंथली वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस इन यूपीआई। गवर्नमेंट ने मार्केट शेयर पर एक 30% लिमिट लगाई है टू इम्प्रूव कॉम्पिटिशन, बट ये कब इम्प्लीमेंट होगी हमें अब तक पता नहीं है। हमने पहले पब्लिक गुड्स की बात की थी, वो गुड्स जो फ्री ऑफ चार्ज सबको अवेलेबल किए जाए ताकि पब्लिक उन्हें यूज कर पाए। यूपीआई को वाइडली अवेलेबल बनाने के लिए उसे एज अ पब्लिक गुड प्रोवाइड किया गया और उसे फ्री बनाया गया। इसका मतलब है कि वो सारी कंपनीज जिनके थ्रू आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस करती हैं, वो यूपीआई ट्रांजैक्शन से कोई पैसे नहीं कमाती। मर्चेंट डिस्काउंट रेट या एमडीआर एक चार्ज है जो बैंक्स मर्चेंट्स पे लगाती हैं उनके ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने के लिए। 2019 से यूपीआई के लिए इस एमडीआर के नंबर को जीरो पे रखा गया है ताकि इस सिस्टम को और लोग आसानी से यूज कर पाए। पर क्योंकि ये सारे सिस्टम और इस बैकएंड को चलाने के लिए एक कॉस्ट रहता है, इसका बिल किसी को तो भरना पड़ेगा, राइट? डिजिटल पेमेंट्स को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट यूपीआई को सब्सिडाइज कर रही है। इस जीरो एमडीआर के कॉस्ट के लिए कॉम्पेंसेट करने के लिए पिछले दिसंबर में गवर्नमेंट ने एक 1300 करोड़ रुपीस का पैकेज तैयार किया। एक रीसेंट पॉलिसी पेपर में आरबीआई ने इन यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे चार्जेस प्रपोज किए, बट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई करके बताया कि फॉर नाउ ये नहीं होगा एंड दैट यूपीआई विल रिमेन अ डिजिटल पब्लिक गुड। इसलिए अगर आप देखें तो इन कंपैरिजन काफी डेवलप्ड कंट्रीज में यूपीआई का जो फंक्शन है वो प्राइवेट कंपनीज फुलफिल करती है।
सकती है, जैसे वेनमो या कैश ऐप इन द यूएस। यूपीआई की इजी फंक्शनैलिटी की वजह से काफी इंडियन फिनटेक कंपनीज यूजर्स अट्रैक्ट कर पाए हैं, जो उनका ऐप यूपीआई पेमेंट्स के लिए डाउनलोड करते हैं और फिर उसके बाद उनके बाकी सर्विसेज भी यूज करते हैं। फिनटेक कंपनीज के अलावा यूपीआई ने काफी मर्चेंट्स और शॉप ओनर्स को भी अलाउ किया है अपने बिजनेस को डिजिटाइज करने के लिए। एक रिसेंट रिपोर्ट में बॉस्टन कंसल्टिंग सर्विसेज ने बताया कि इंडिया में ओवर 30 मिलियन मर्चेंट्स क्यूआर कोड्स के थ्रू पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। कंपनीज भी काफी इनोवेटिव रही है इन मर्चेंट्स और यूपीआई के सिस्टम का फायदा उठाने में। फॉर एग्जांपल, आपने किराने की दुकानों में पेटीएम के साउंड बॉक्सेस जरूर देखे होंगे, जो ट्रांजैक्शंस होने के बाद शॉपकीपर को अलर्ट्स देते हैं। पेटीएम इन साउंड बॉक्सेस से रेंट कलेक्ट करता है और ये उनके लिए एक काफी बड़ा रेवेन्यू वर्टिकल बन चुका है। इसलिए इवन दो फिनटेक फर्म्स यूपीआई के थ्रू ज्यादा पैसे कमाते नहीं है, यूपीआई उन्हें नए कस्टमर्स अक्वायर और ऑनबोर्ड करने में बहुत मदद करता है। जेपी मॉर्गन के एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर पेटीएम के मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स या MTU 49% इंक्रीज हुए ईयर ऑन ईयर, ड्रिवन बाय कस्टमर एक्विजिशन थ्रू यूपीआई। इस इकोसिस्टम को बढ़ाया जा रहा है एंड यूपीआई इज बीइंग कनेक्टेड टू अदर यूज केसेस इन फाइनेंस एज वेल। हमने रिसेंटली देखा है कि सब्सक्रिप्शन और रेगुलर पेमेंट्स यूपीआई के थ्रू किए जा रहे हैं। रिसेंटली यूपीआई को रुपे क्रेडिट कार्ड के साथ भी कनेक्ट किया गया है और इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस है कि यूपीआई को अलग प्रोडक्ट्स जैसे बाय नाउ पे लेटर में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इनफैक्ट यूपीआई इंडिया में इतना वाइडली यूज्ड है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस की अमाउंट्स और वॉल्यूम को यूज किया जा रहा है कंज्यूमर सेंटिमेंट और इकोनॉमी के स्टेट को जज करने के लिए। CEBR के एक इकोनॉमिक रिसर्च स्टडी के मुताबिक बाय 2026 इंडिया के इंस्टेंट पेमेंट्स के सॉल्यूशन की वजह से एडिशनल $45 बिलियन इकोनॉमिक आउटपुट जनरेट हो सकता है, जो हमारी GDP का अराउंड 1.1% है। डोमेस्टिक बेनिफिट्स के अलावा यूपीआई एक ऐसा प्रोडक्ट भी बन सकता है जो इंडिया दुनिया को एक्सपोर्ट करे। रिसेंटली इंडिया ने यूके में क्यूआर कोड पेमेंट्स एनेबल करने की कोशिश की है थ्रू यूपीआई। इंडिया ने बाकी कॉमनवेल्थ नेशंस को भी यूपीआई शेयर करने का एक ऑफर दिया है। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी ने रिसेंटली कहा कि इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि इससे बाकी कॉमनवेल्थ कंट्रीज को भी होप मिलेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया बट एज अ पब्लिक गुड इसको शेयर करने के लिए भी तैयार है और इसका एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट हो सकता है। पॉलिटिकल साइंस में आपने शायद ये टर्म सुना होगा, नोन एज सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर वो इनटैंजिबल इकोनॉमिक या कल्चरल चीजें हैं जो एक कंट्री दुनिया में एक्सपोर्ट करके अपनी पहचान बना सके। आप जापान के एनिमे को ले लीजिए या कोरिया के केपॉप को, इनके वजह से ये कल्चरल एक्सपोर्ट्स इन कंट्रीज को दुनिया में फेमस बना चुके हैं। तो इसी तरह शायद ये डिजिटल पेमेंट्स की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू UPI इंडिया को हेल्प कर सके दुनिया में अपनी पहचान बनाने में एंड कैन बिकम आर एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। तो आपको क्या लगता है, क्या UPI इंडिया का टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट बन सकता है, आर गिफ्ट टू द वर्ल्ड? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अगर आपको ऐसे टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।